हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑसम नाइट्रेट्स में, जहां मैं आपको सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई सच्ची डरावनी कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई भूतिया घटना हुई है और आप हमें बताना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी या मुझे ईमेल करके अपनी कहानी बता सकते हैं। मैं आपकी कहानी को लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए आज की कहानी भी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर भाई शशि रंजन ने, लुधियाना पंजाब से। तो चलिए अब मैं बाकी की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ। मेरा नाम शशि रंजन है, मैं लुधियाना में रहता हूँ। मुझे वह दिन याद करके आज भी डर लगता है। चलो अब मैं बिना वक्त ज़ाया करे अपनी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। दिवाली और धनतेरस जैसे त्यौहार बिल्कुल नज़दीक ही थे। हमारी कंपनी जो कि LCD एक्सपोर्ट करती थी, उसके पास इन त्यौहारों के कारण इस वक्त बहुत काम था। हमें 3 महीने के अंदर ही 5,000 से ज़्यादा LCD एक्सपोर्ट करने थे। इसी कारण हमारे बॉस ने हमारे ड्यूटी का टाइम भी बढ़ा दिया था। अब हम सबका टाइम सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक हो चुका था। देर रात की वजह से शुरू में तो कई लोगों ने मना किया, लेकिन फिर बॉस ने कहा कि रात के टाइम मैं सबको उनके घर छोड़ दिया करूँगा, तो सब लोग राज़ी हो गए। और बॉस ने ये भी कहा कि यही टाइम है हम सबके लिए पैसा कमाने का, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये सब सुनने के बाद सब लोग राज़ी हो गए। 3-4 दिन बाद हमारा ये टाइम शिफ्ट शुरू हो गया। हम सुबह जाते और देर रात बॉस हमें हमारे घर तक छोड़ देते। एक दिन हम कंपनी से बाहर निकले, उस दिन बाहर बॉस भी आधे घंटे लेट आए, जिसके कारण 10:30 यहीं बज गए थे। हम 5 लोग कार में बैठे और चल दिए। कुछ दूर जाने पर मेरे 3 दोस्तों का घर आया और वह तीनों वहीं उतर गए। अब कार में हम 2 और हमारा बॉस रह गए थे। कुछ ही देर बाद मेरे दोस्त का भी घर आ गया और वो भी उतर के चला गया। अब गाड़ी में सिर्फ मैं और मेरे बॉस थे। लेकिन कुछ ही देर गाड़ी चलने के बाद हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी सुनसान रास्ते पे रुक गई। मज़े की बात तो ये थी कि उस वक्त हमारे पास एक्स्ट्रा टायर भी नहीं था और देर रात होने के कारण वहाँ से कोई गुजर भी नहीं रहा था, क्योंकि वो एक सुनसान सा रास्ता था जो कि दिन में भी तो थोड़ी बहुत चहल पहल रहती है, लेकिन रात में वो अधिकतम सुनसान ही रहता है। मैं घर जाना चाहता था तो मैंने बॉस से कहा कि मैं पैदल ही निकल जाता हूँ, लेकिन मेरे बॉस ने सुनसान रास्ते के कारण मुझे अकेले भी जाने से मना कर दिया। लेकिन कुछ देर मनाने के बाद मैंने बॉस से जब कहा तो बॉस ने मुझे जाने दे दिया और मैं धीरे धीरे पैदल ही वहाँ से निकल पड़ा। लगभग आधे घंटे चलने के बाद मैं एक चौराहे पर पहुँचा और जैसे ही मैं चौराहे से आगे की ओर गुजरा तो मुझे एक चौराहे के रास्ते से बगल में आता हुआ मैदान से निकला हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। मैंने सोचा ये इतनी रात में इस मैदान से क्या कर रहा होगा। वो व्यक्ति थोड़ा काली परछाई दिख रहा था और मुझे सही से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स काफ़ी दूर दूर पे थी। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसे देखकर मुझे हल्का सा डर लगा। फिर मुझे अचानक से याद आया कि मेरे को आज अपनी सैलरी 15,000 रुपये मिली है और ये कोई चोर उचक्का हुआ तो कहीं मुझे मार के मेरे पैसे छीन के ना ले जाए। मुझे अभी ये डर सता ही रहा था कि सामने से 4-5 कुत्ते भौंकते भौंकते मेरी तरफ आने लगे। मैं उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया, लेकिन वो कुत्ते मुझे बिना कुछ करे ही मेरे बगल में से निकल गए और पीछे जाके उस व्यक्ति की तरफ काटने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा वो देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। कुत्तों का मुंह उस आदमी की टांगों के आर पार निकल रहा था, मानो वह बस दिख रहा है और है ही नहीं। वो कुत्ते उसे नोचने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन उसको नोच नहीं पा रहे थे, उनके दांत आर पार निकल जा रहे थे। ये देखकर मैं बहुत जल्दी ही समझ गया कि ये कोई प्रेत है और मुझे यहाँ से भागना चाहिए, और मैंने फौरन भागने के लिए जैसे ही अपने कदम बढ़ाए
पीछे से आवाज़ आई, मत भागना वरना मारे जाओगे। मेरा शक अब यकीन में बदल गया, क्योंकि उसकी आवाज़ ऐसा लग रही थी मानो 3-4 आदमी औरत एक साथ बोल रहे हों। मैं डर के मारे और तेज़ भागने लगा। अब मेरा दिल इतनी तेज़ तेज़ धड़क रहा था और मैं इतना डर चुका था कि मैंने वापस पीछे पलटकर देखा ही नहीं और लगातार भागे ही जा रहा था। वो तो शुक्र है कि सामने कुछ ही दूर पर मुझे एक मंदिर दिखाई पड़ा। मैं भागते भागते सीधा उस मंदिर की चौखट पर जा गिरा और उसके बाद जाके जब मैंने पीछे देखा तो मुझे करीब 300-400 मीटर की दूरी पर वही दिखाई दिया। उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल आग की तरह धधक रही थी। ये देखकर मैं बहुत डर गया और मंदिर की सीढ़ियों पर ही सिर रखकर ना जाने कब मेरे को नींद आ गई। मेरी नींद अगले दिन सुबह सुबह खुली जब उस मंदिर के पुजारी ने मुझे उठाया। मैंने उन्हें ये सारी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने बस इतना ही कहा कि तुम बहुत किस्मत वाले हो जो जिंदा बच गए। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। अब मैं आपको आज की दूसरी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर भाई चरण भोई ने। अब मैं आगे की कहानी वैसे ही बताऊँगा जैसे चरण ने मुझे भेजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे बड़े पापा के साथ हुआ था। हमारे गांव में कई औरत डायन हैं जो टोने टोटको कर लोगों को परेशान करती हैं, और हमारे गांव में दो ओझा थे जो टोने टोकटे से परेशान लोगों की मदद करते थे। इनमें से एक थे मेरे बड़े पापा और एक पड़ोस के अंकल। जिन भी लोगों को उन डायनों के कारण परेशान होती थी वो मेरे पापा या उन अंकल के पास ही जाते थे। वो सभी डायने उन्हें जान से मारना चाहती थीं पर हर बार वो नाकामयाब ही होती थी। लेकिन एक बार उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे सच में मेरे बड़े पापा की मौत हो गई। अब मैं आपको वही बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। उन्होंने मारा तो उन दोनों को ही था, मेरे बड़े पापा और उन दूसरे वाले अंकल को। लेकिन जब वो दूसरे वाले अंकल मरे उनका मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जो कुछ मेरे बड़े पापा के साथ हुआ वो बिल्कुल मेरे सामने ही हुआ था। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। उन डायनों ने मेरे बड़े पापा को मारने के लिए एक तरबूज में टोटका कर दिया। मेरे बड़े पापा खेत में धान काटने गए हुए थे, तभी एक बूढ़ी औरत आई और उनसे तरबूज खिलाने की ज़िद करने लगी। पहले तो मेरे बड़े पापा ने मना कर दिया तरबूज खाने से, लेकिन उसके बार बार आग्रह करने पर मेरे बड़े पापा इनकार नहीं कर पाए और उन्होंने वो तरबूज खा लिया। बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसे खाने के बाद ही कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी तबीयत लगातार डाउन होने लगी। कुछ ही दिनों बाद भी वो भी समझ चुके थे कि ये सब किनका कराधाया है, और उन सब ने हमें अपने पास बुलाया और उन्होंने हमसे कहा, उन्होंने कहा कि जहाँ मैंने वो तरबूज खाए थे वहाँ पे उनके बीज भी गिरे थे और उन बीजों में से अब फल लग गए होंगे और तुम्हें वो फल लाके मुझे खिलाने होंगे, तभी मैं ज़िंदा बचूँगा। ये सुन के मेरे मामा और पापा थोड़े हैरान हुए और वहाँ पे देखने गए कि 4-5 दिन में कैसे कोई तरबूज उग सकता है और उस पर फल लग सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ पर सच में तरबूज का फल आ चुका था। ये देखकर वे दोनों हैरान हो गए और वापस घर आए और ये सब बात सबको बताई। उसके बाद जब वो फिर से तरबूज लाने के लिए जाने लगे तो मेरी बड़ी माँ ने उन्हें रोक लिया और कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना है। उनके लाख कहने पर भी मेरी बड़ी माँ ने उन्हें साफ मना कर दिया और इस कारण अगले दिन ही मेरे बड़े पापा की मृत्यु हो गई। सब लोग उनकी मृत्यु के लिए मेरी बड़ी माँ को ज़िम्मेदार ठहराने लगे। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसे सुन के सबके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि गुज़रने से पहले मेरे बड़े पापा ने उनसे कहा है कि अगर हम लोग उस फल को ले आए तो मेरे बड़े पापा तो बच जाएंगे, लेकिन उसके उल्टा
उनका कोई बेटा मर जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं इतना खुदगर्ज नहीं कि अपनी थोड़ी सी बची हुई ज़िंदगी को पाने के लिए अपने बच्चों की ज़िंदगी खतरे में डाल दूँ, तो अगर ऐसा कुछ हो भी तो तुम उन्हें रोक लेना। यही वो कारण था जिस कारण मेरी बड़ी माँ ने हम सबको वहाँ से जाने के लिए रोक दिया, और इसी कारण मेरे बड़े पापा की भी डेथ हो गई। और आखिरकार उन डायनों को हमारे बड़े पापा और उन दूसरे वाले ओझा से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।